साथियों नमस्कार, गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। और हल्की से मानसून की बारिश ने यहाँ की महानगर की जो सफाई की व्यवस्था है उसकी पोल खोल के रख दिया है। लगातार आप देख पा रहे हैं, मैं खड़ा हूँ नखास से रेती पुल की तरफ और गाड़ियाँ जो हैं वो पानी में लगभग डूब चुकी हैं और दुकानों के भीतर भी पानी चला जाता है। इसलिए लोगों ने देखिए दीवार खड़ा कर रखा है और गाड़ियों के आने जाने से जो लगातार पानी की लहरें चल रही हैं वह एक समुद्र का स्थिति दिखाई दे रहा है। अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि प्रत्येक साल यही दशा इस चौराहे की रहती है और लगातार ई रिक्शा वाले और जो दोपहिया वाहन हैं वो जान को जोखिम में डाल करके लगातार निकल रहे हैं, क्योंकि अगर पलटे तो सीधे इस जो गंदगी वाला पानी है उसमें गिरेंगे। और देखिए दो सज्जन किस प्रकार से गाड़ियों को लेकर के धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और स्थिति अगर पानी देर तक बरसता तो और भयावह हो सकती थी। अभी तो गाड़ियां ठप थीं लेकिन जब बारिश बंद हुआ है तो लोग अपने गंतव्य स्थल को जा रहे हैं। लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मकानों तक में पानी चला गया था, मकान जो है पानी के भीतर थे। और जो लोग यहाँ के निवासी हैं जब बारिश होती है तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान अधिक पानी न बरसे, नहीं तो दुकानों के भीतर मकानों के अंदर लगातार पानी का जो एक सैलाब है वह चला जाता है। और इस रास्ते पर जो नखास से रेती रोड है लोग जान जोखिम में डाल करके आ जा रहे हैं और स्थिति इतनी भयावह है कि पानी अब देखिए इस रोड को छोड़ करके जो बगल का गली है उसमें भी भर चुका है। और कहीं ना कहीं जो सामने किताबों की दुकान है, कृष्णा बुक डिपो का नाम है, वहाँ पर भी पानी अंदर जाने के लिए उतावला हो रहा है। यदि पानी थोड़ी देर और बरसता तो दुकानों के भीतर पानी चला जाता और प्रायः सभी दुकानदार पानी से बचाव के लिए अपने दुकानों के बाहर लगभग 3 से 4 इंच की दीवार खड़ा किए हुए हैं कि किस प्रकार से पानी से बचाव हो सके। और जब पानी चला जाता है तो सारी जिम्मेदारी नगर निगम यहाँ के दुकानदारों पर छिकड़ा फोड़ता है, उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है। वाहन चालक बहुत तेज़ी से ही पानी की हिलकोरे मारते हुए निकल रहे हैं। जो खास करके युवा वर्ग है वह इस पानी में मज़ा लेने के लिए निकल चुका है, बुजुर्ग भी अपने ऊपर पैर करके गाड़ियों को चला रहे हैं। मैं नगर निगम से विनम्र निवेदन करता हूँ, माननीय जो नए हमारे मेयर साहब हैं डॉक्टर साहब, वह इस तरफ भी ध्यान दें और नाले की सफाई पर विशेष ध्यान दें। नाला गैंग को यह नगर आयुक्त भी कहें कि वह ध्यान दें और महानगरवासियों को इस दुर्व्यवस्था से बचाने का कष्ट करें। गोरखपुर समाचार के लिए मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा।